राजस्थानी कौम ने देखा है चादर चार दिवाली का तकद्दस पामाल किया गया। आज क्या क़यामत टूट गई, जुमे का दिन है, घर पे दावा बोल दिया गया। मैं नहीं कह रहा, पाकिस्तानी कौम सुन ले, नैब सियासत अदा हो चुकी है कि आज लोगों की जान लेवा बन गई है। नैब सुपरमैन बनकर नैब के अहलकार यहाँ पर मुझे गिरफ्तार करने आ गए। आज इस इकदाम की जरूरत क्या थी, दुनिया ने कौम ने तमाशा देखा कि आप कोई अपना जो है वो हिंदुस्तान पाकिस्तान फतह करने आए थे यहाँ पर। आज के बाद किसी भी इज्जतदार आदमी की इज्जत महफूज नहीं रहेगी। तो आज नैब ने एक शर्मनाक हरकत की है, मुझे ये महसूस हुआ कि शायद हम दहशतगर्द हैं। पहली बार बड़े लोगों के ऊपर हाथ पड़ना, हमने देखा है कि सिंध में किस तरह से रात को आप देख रहे थे कि कितना चीख चला रहे थे, और आज अभी दोपहर से मैं देख रहा हूँ कि पंजाब में लाहौर से चीखें आ रही हैं। जो लाहौर से लेकर के तो लड़काना तक जो सारे माफियाज हैं उनकी चीखें आपको सुनाई दे रही हैं। हमजा शहबाज शरीफ साहब अगर पॉलिटिशियन होते, अगर वो ट्रूली एक लीडर होते तो वो अपनी गिरफ्तारी पेश करते। इस वक्त जो पाकिस्तान में जो मुआशी मुश्किलात हैं उसकी जिम्मेदारी दो शख्सियात के ऊपर आयद होती है, एक का नाम है आसिफ जरदारी, दूसरे का नाम है नवाज शरीफ। दोनों अपने किराए जो हैं अपने किए का जो मामला है वो भुगतेंगे। ये जो बाकी सारे आपको नज़र आ रहे हैं, हमजा शहबाज हों या मरियम नवाज हों बिलावल भुट्टो हों, ये सारे इन दोनों लोगों के फ्रंट मैन हैं। ये जो एहतसाब का अमल है ये ना तो बिलावल साहब की धमकियों से रुकने वाला है, ना ही हमजा शहबाज शरीफ साहब की धमकियों से रुकने वाला है, इसको एक मंतकी निजाम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ मैं हूँ फाद शहबाज खान। दिन ब दिन जो है वो पॉलिटिकल सिनेरियो बड़ा दिलचस्प होता जा रहा है और भरपूर बैटल इस वक्त जारी है, खींचातानी बड़ी शदीद, जिसमें ओपोजिशन जो हैं वो उसकी मुश्किलात किसी भी सूरत आपको कम होती दिखाई नहीं देंगी। और नवाज शरीफ साहब अगर तिब्बी बुनियादों पर कुछ देर के लिए बेल पर बाहर आए हैं तो अब सूरत हाल ये थी कि हमजा साहब की गिरफ्तारी के लिए चेयरमैन साहब का सिग्नेचर जो फ्रंट था उसके साथ नैब की 13 रुकनी टीम जो है वो आज उन्हें गिरफ्तार करने पहुंची। और नैब की जानिब से जो इल्ज़ाम हैं वो बड़े संगीन हैं, उनकी जानिब से इल्ज़ाम जिनका अभी प्रूफ होना बाकी है, जो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में जाएंगे सारी चीज़ें प्रोसीजर मेरे व्यूअर्स बड़े बेहतर तरीके से समझते हैं, और अब तो उन्हें बिल्कुल प्रोसीजर का बड़ा आइडिया हो गया होगा क्योंकि अरसा दराज से ये सारा सिलसिला चल भी रहा है। जिसमें नैब के अहम तरीन इल्ज़ाम में अफजल क्यूम बैरून मुल्क गैर कानूनी तौर पर रकम मुंतकिल करता रहा, और मुलजिम अफजल क्यूम सादिक प्लाजा में वाक़ दफ्तर में बैठकर ये तमाम काम गैर कानूनी तौर पर सर अंजाम देता रहा, और ये इल्ज़ाम हैं जो सारे के सारे मुलजिम अफजल क्यूम ने लाहौर में वाक़ अली टावर में 2005 से 18 के दरमियान मुबैना तौर पर अरबों रुपये बाहर मुंतकिल किए, ये भी इल्ज़ाम है। अफजल क्यूम सलमान शहबाज से नकद रकम वसूल करता और हमजा शहबाज समेत दीगर फैमिली के अकाउंट्स में जमा करवाता रहा। साथ ही साथ मुलजिम फैसल दाद जो हैं वो 2005 से सलमान शहबाज के साथ काम करते रहे। फैसल दाद सलमान शहबाज का फ्रंटमैन बनकर रकूम इकट्ठी करता रहा, और इसमें मुलजिमान जो हैं शरीफ फैमिली की रकूम बैरून मुल्क अमरीकी डॉलर्स और अमाराती धर्म की सूरत में सरमायाकारी करते रहे। और साथ हमजा शहबाज के ज़ाती मुलाजिम फैसल दाद अब्बासी और कासिम क्यूम के बारे में ये नैब के सारे इंकशाफात हैं, जिसमें जो ज़राए से मौसूल हुए, जिसमें फैसल दाद अब्बासी शरीफ ग्रुप का पुराना मुलाजिम भी था, और फैसल दाद अब्बासी 2005 से सलमान शहबाज के साथ काम भी कर रहा था और मुख्तलिफ जगहों से पैसे इकट्ठे करके कासिम क्यूम को देता था, और मुलजिम कासिम क्यूम रकूम इकट्ठी करके हमजा शहबाज सलमान शहबाज शहबाज शरीफ और दीगर फैमिली मेम्बर्स के बैंक अकाउंट में जमा करवाते थे। ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि बड़ी अहम तरीन है, और इसमें सबसे बढ़कर नैब हुकाम की जानिब से वारंट पर अमल दरामद किया गया और दोनों को अगले रोज़ गिरफ्तार भी किया गया। ये दोनों गिरफ्तार भी हुए थे और डॉक्यूमेंट आप देख रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में आज उन्हें पेश भी किया गया और वारंट के लिए सदा भी की गई। और सबसे बढ़कर आपको ये भी बताएं कि इस दौरान कमो बेश 85 अरब रुपये के साजात मुख्तलिफ गैर कानूनी ज़राए से हासिल किए गए, 85 अरब के, कोई छोटी अमाउंट नहीं है, काफ़ी ज़्यादा होते हैं, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए भी खतीर सरमाया बाहर मुंतकिल किया गया जिसके शवाहद नैब ने हासिल कर लिया, और शरीफ फैमिली की घबराहट वाजे कर रही है कि इसके हिसाब के आयाम आ रहे हैं, ये तबसरा करने वाले कह रहे हैं, ये मेरी लाइन नहीं है।
حمزہ شہباز نے 2003 میں بظاہر 2 کروڑ سے بھی کم اثاثے ظاہر کیے تھے، جبکہ ان کے والد وزیراعلیٰ بننے کے بعد ان کی ذاتی آمدن جو ہے وہ 41 کروڑ سے تجاوز کر گئی، جو مجموعی طور پر 2000 گنا زیادہ ہے. تاہم نیب کی جانب سے ان پر منی لانڈرنگ کے مرتکب مرکزی ملزمان کو بے نقاب کرتے ہوئے ان کی گرفتاری عمل میں لائی جا چکی ہے، اور دیگر ملزمان، مطلب اب صورتحال یہ ہے کہ دو اہم ترین کریکٹرز جو ان کے فرنٹ مین بتائے جاتے ہیں، اور اس الزامات کی حد تک پیپلز پارٹی اور نون لیگ سیم پیج پہ نظر آتی ہے، کیونکہ منی لانڈرنگ کے الزامات ان پر بھی لگے اور وہ بھی ابھی ثابت ہونا باقی ہیں، اس پر بھی ریفرنسز بن رہے ہیں اور ساری چیزیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں، پروسیجر میں لگی ہیں، اور ادھر بھی منی لانڈرنگ کے معاملات ہیں. اور اس سے بڑھ کر آپ کو ساتھ یہ بھی بتائیں کہ آپ کو اس میں پریس ریلیز آج جو جاری کی گئی، 2 پریس ریلیزز آج جاری کی گئیں لاہور کی جانب سے، نیب لاہور کی جانب سے. ایک پریس ریلیز کے مطابق قومی احتساب بیورو لاہور کی ٹیم جو ہے وہ حمزہ شہباز کی آمدن سے زائد اثاثہ جات اور مبینہ منی لانڈرنگ کے کیس میں ٹھوس شواہد کی بنیاد پر گرفتاری کے لیے گئی، تاہم حمزہ شہباز کے گارڈز کی جانب سے گنڈا گردی کا مظاہرہ کیا گیا اور نیب ٹیم کو باقاعدہ زد و کوب کیا گیا، نیب ٹیم کے بعض اہلکاروں کے کپڑے پھاڑے گئے اور جان سے مارنے کی دھمکیاں دی گئی، اور نیب حکام جو ہیں وہ قانون کے مطابق ملزم حمزہ شہباز کی گرفتاری کے فرنٹ لے کر گئے تھے. سپریم کورٹ کے حوالے سے اس پر واضح ہدایات ہیں کہ نیب کو کسی بھی ملزم کی گرفتاری کے لیے اس سے گرفتاری سے قبل آگاہ کرنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ حمزہ صاحب فرما رہے ہیں کہ ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ 10 دن پہلے بتانا ضروری ہے، تو سپریم کورٹ کا ورڈکٹ ہے کہ آپ کو بتانا ضروری نہیں ہے، چونکہ اس پہ ورڈکٹ آ چکا، تو اس کا حوالہ نیب اپنی پریس ریلیز میں بھی دے رہی ہے، اور اس میں مزید کہا گیا ہے کہ نیب کی جانب سے اس بات کی وضاحت کی جاتی ہے کہ نیب ملزم حمزہ شہباز کی ٹھوس شواہد کی بنیاد پر سپریم کورٹ کی جانب سے نیب قانون میں موجود گرفتاری کے اختیارات کے سلسلے میں تشریح کردہ حکم سول پٹیشن نمبر 18/2017 نیب بنام سید جلیل ارشد بتاریخ 19 مارچ 2019 کی روشنی میں گرفتار کیا جانا مقصود تھا. یہ وہ حوالہ ہے جو سپریم کورٹ کے آرڈر کا ہے، جس میں میں آپ کو دوبارہ پڑھ دیتا ہوں کہ سول پٹیشن ہے نمبر 18 ہے اس کا 2017 اور نیب بنام سید جلیل ارشد ہے اور تاریخ ہے 19 مارچ 2019، اس کی روشنی میں ان کو گرفتار کیا جانا مقصود تھا. اور نیب کی جانب سے مزید وضاحت کی جاتی ہے کہ ایسے عناصر جنہوں نے نیب کی قانونی کارروائی اور کار سرکار میں مداخلت کی، جان بوجھ کے مداخلت کی، ان کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی وغیرہ کی جائے گی. ایک تو یہ صورتحال ہے، دوسرا ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ حمزہ صاحب سے ہم نے خصوصی گفتگو کی تھی اور حمزہ صاحب سے پوچھا تھا کہ آپ کی گرفتاری جو ہے وہ نوشتہ دیوار بن چکی ہے، ان کا کیا کہنا تھا وہ بھی ذرا سنیں. چلا گیا تھا 10 دن ہائی کورٹ، بتایا گیا تھا کہ 10 دن ہائی کورٹ پہلے آپ کو بتائے، لیکن وہ آپ کے اس فیصلے کے خلاف نیب سپریم کورٹ چلا گیا، اگر نیب کو وہاں سے ریلیف ملتا ہے تو آپ کا اریسٹ وہ جو پھر نوشتہ دیوار ہوگا، تو آپ ذہنی طور پر تیار ہیں گرفتار ہونے کے لیے؟ میں تو 10 سال مشرف. جی یہ حمزہ صاحب کی ٹاک آپ نے سنی، اور انہوں نے کہا کہ میں ذہنی طور پر بالکل تیار ہوں. اور اس کے بڑھ کر ایک اور بڑی اہم ترین چیز ہے، وہ پیش رفت جو ہے وہ انڈیکیٹر ہے، وہ بہت زبردست ایک انڈیکیٹر ہے. میں پہلے آپ کو پیش رفت سے آگاہ کروں اپنے ویورز کو، پھر میں آپ کو بتاؤں کہ وہ انڈیکیٹر کیسے ہے. اس میں جو شہباز شریف صاحب ہیں ان کو 9 اپریل کو دوبارہ طلب کیا گیا، 9 اپریل کو مسلم لیگ نون کے جو صدر ہیں، موجودہ صدر، ان کو 9 اپریل کو طلب کیا گیا، اور اس میں 20 نومبر اور 3 دسمبر کے سوال نامے اور جو اس میں تشنگیاں رہ گئیں اور جو چیزیں انہوں نے پرووائڈ نہیں کی نیب کو، وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ان کو کال اپ نوٹس میں لکھی گئیں، اور اس میں سب سے بڑھ کر ان کو جائیداد میں وراثت کتنی ملی، بیگمات کے پاس کتنی جائیداد ہے، اس کے سورسز کیا ہیں اور فنڈز کیا ہیں، اس میں 11,22,91,307 کے سورسز اور وہ جو ریمیٹنسز انہوں نے فوراً حاصل کیے ان کی بیگم صاحبہ کی جانب سے 2009 سے 2010 کے دوران کیے گئے، اس کے سورسز کیا ہیں، تمام بیرون ملک جائیدادوں کی تفصیلات، بیرون ملک فوراً اکاؤنٹس کی تفصیلات اور بینک کی اے سی اسٹیٹمنٹ کے ساتھ، اور اس کے ساتھ ساتھ تمام تحائف جو ہیں اس کی تفصیلات، اگر وہ کیش میں ہے اس کی تفصیلات، گھر کتنے ہیں، پلاٹس کتنے ہیں، اور بیگمات کے پاس گفٹ کی اگر کوئی تفصیل ہے تو وہ، اور وہ پائن ٹریز کے بارے میں جو ریزورٹ ان کا کہا جاتا ہے جو وسپرنگ کا ساتھ لفظ بھی استعمال کیا گیا ہے، اس حوالے سے بھی پوچھا گیا ہے کہ اس کی کیا اپ ڈیٹ ہے جو تحصیل ہری پور میں ہے، اور گاڑیوں کی تفصیلات کیا ہے، گاڑیاں جو ملی ہیں ان کی تفصیلات کیا ہے، اور اس کے علاوہ جو انہوں نے یہ ساری چیزیں بڑی امپورٹنٹ ترین انہوں نے ڈسکشن کی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آمدن سے زائد اثاثے کا جو انویسٹیگیشن شروع کی گئی تھی شہباز شریف صاحب پر، وہ اپنے منطقی انجام کی طرف بڑھنا شروع ہو گئی ہے، اور اس کا اگر جواب نہ دیا گیا تو یہ سنگین ہو جائے گی، اور یہ سنگینی جو ہے وہ پھر گرفتاری تک جا سکتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ جتنے بھی لوگ جن جن کیسز میں پکڑے جا چکے تھے
اب ان کی ساتھ ساتھ پیرلل تفتیش کیونکہ شروع کر دی گئی تھی نیب کی جانب سے، خواہ وہ دیگر افراد ہوں جو نون لیگ کے ہیں اور اگر تحریک انصاف کے بھی کچھ لوگ اندر ہیں، تو ان کی پیرلل ایک تفتیش جاری کی گئی تھی، شروع کی گئی تھی، جس میں ایسٹ بیونڈ مینس بھی انہوں نے دیکھے تھے کہ اگر بہت ساری جگہوں پہ وائٹ کالر کرائم ہے، ثبوت نہیں مل رہا، تو انویسٹیگیٹر جو تھے تو یہ بھی دیکھتے تھے کہ ان کے پاس کیا، ان کے پاس جو چیزیں اون کرتے ہیں اور جو چیزیں انہیں جائیداد وراثت میں ملی ہیں، تو اس کا بھی کوئی ثبوت ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ اب 9 اپریل کے بعد حالات شاید اس طرف چل پڑے اور مزید سنگینی کی طرف چل پڑے۔ سلمان شہباز صاحب کے بھی ورنہ گرفتاری جاری تھے، وہ آلریڈی ملک سے باہر جا چکے ہیں، حمزہ صاحب کے بھی تھے۔ اب معاملہ منڈے کو جائے گا اور منڈے کو اس لیے جائے گا کہ ہائی کورٹ جو ہیں ہفتہ اتوار ان کی آف ہوتی ہے، چھٹی ہوتی ہے ہائی کورٹس میں، تو یہ اب منڈے کو شاید معاملہ جو ہے یہ آگے بڑھے اور پھر کوئی اس کا نتیجہ نکلے کہ اسے عدالت کس نظر سے ان ساری چیزوں کو دیکھتی ہے۔ یہ وہ سارے موضوعات ہیں اور نون لیگ کی جانب سے جو ریئیکٹ کیا گیا اس پر ہم بات کریں گے۔ وہ ریئیکشن جو ہے وہ اداروں کی ساکھ کتنی ڈیمیج کرتا ہے، اداروں کی تکریم، اداروں کی انڈیپینڈنسی، اداروں کا فلورش کرنا اور انڈیپینڈنٹ ہونا تاکہ وہ اپنا کام کر سکے، چونکہ جن لوگوں کی سربراہی میں نیب کی ٹیم گئی تھی وہ بدتمیزی نہیں کرتے ہیں، ان کو ہم پرسنلی کچھ لوگوں کو جانتے ہیں، جو ہر افسر کا اپنا ایٹیٹیوڈ ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ نیب میں کوئی بھی بدتمیزی نہیں کرتا ہوگا یا کوئی بھی جو ہے وہ سختی نہیں کرتا ہوگا، لیکن یہ جو ٹیم گئی تھی یہ بڑے مہذب طریقے سے انہوں نے جا کر بات کی تھی اور ان کا اب وسیع ایکسپیرینس ہو گیا ہے۔ اسی ٹیم نے نواز شریف صاحب کو پکڑوایا تھا، اسی ٹیم نے شہباز شریف صاحب کو پکڑا، حمزہ شہباز صاحب کو پکڑنے کے لیے ان کے ورنٹ گرفتاری جاری کی، تو ان کا وسیع تجربہ ہے، تو یہ بڑے طریقے سے جو ہے وہ چلتے ہیں۔ تو اس وجہ سے جو یہ ٹیم گئی تھی وہ بڑے مہذب انداز سے انہوں نے ٹویٹ بھی کیا، اور میں کچھ دیر بعد جو نیب ٹیم نے باہر نکل کے ٹاک کی تھی جو کیپچر ہو گئی کیونکہ باہر میڈیا موجود تھا، وہ بھی میں آپ کو سناؤں گا، جو ان کے ایک بڑے اہم افسر جو ہیں وہ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے، بلکہ وہ کلیم بھی کر رہے تھے کہ ہم بڑے آرام سے آئے ہیں اور ان کو بلایا بھی تھا آج صبح 10 بجے، طلب بھی کیا ہوا تھا، لیکن یہ نہیں پہنچے۔ تو یہ وہ ساری صورتحال ہے۔ تو اب معاملات جو ہیں وہ کس طرف جائیں گے، حالات کس طرف جائیں گے، حکومت اگر ڈلیور نہیں کر پا رہی، حکومت اگر ڈلیور نہیں کر پا رہی تو اپوزیشن جو ہے وہ بھی مشکلات میں ہے، تو یہ کھینچا تانی اور پولیٹیکل گیم شو کس طرف جائے گا، پولیٹیکلی کیا ہوگا، یہ وہ سارے موضوعات ہیں جس پر آج ہم بات کریں گے۔ مسرت جمشید چیمہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، چیمہ صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ وحید گل صاحب آپ ترجمانی کریں گے نون لیگ کی، بہت شکریہ۔ فیصل میر صاحب پیپلز پارٹی کو ریپرزینٹ کریں گے، بہت شکریہ آپ کا۔ اور ہمارے ساتھ کنر ریٹائرڈ شہزاد بھٹی صاحب بھی ہوں گے، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، سابق ڈی جی نیب، بڑے اپرائٹ افسر۔ کل صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کل صاحب بہت شکریہ ٹائم دینے کے لیے۔ میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ آج جو لاہور میں سارا سلسلہ چل رہا تھا، آپ کا کیا ٹیک ہے اس سارے موضوعات پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے فہد، یہ مہذب معاشروں میں تو اس طرح کی چیزیں ہوتی نہیں ہیں۔ میں تھوڑا سا پیچھے جاؤں گا، جس دن بلاول صاحب کو اور زرداری صاحب کو بلایا گیا تھا نیب ہیڈ کوارٹر میں، اور وہاں اس سے ایک دن پہلے ہی انہوں نے اپنے کارکن کو کہنا شروع کر دیا تھا کہ وہاں راولپنڈی پہنچے، اسلام آباد پہنچے اور پھر نیب ہیڈ کوارٹر پہنچے۔ تو آج اس کی ایک فوٹو کاپی کے طور پر، ایک ریپلے کے طور پر، یہ ریپلیکا نظر آیا کہ جی انہوں نے ٹائم گین کیا اور فوراً اپنے کارکن کو وہاں بلایا۔ خود بخود کیسے لوگ آ سکتے ہیں؟ میڈیا میں بڑی دیر میں خبر آئی ہے، پہلے ہی لوگ آنا شروع ہو گئے تھے، تو میڈیا کو بھی اسی طرح پتا چلا لوگ وہاں آئے ہیں، لوگوں کو بلایا گیا ہے۔ اگر وہ لیڈر ہیں، اپوزیشن لیڈر ہیں، اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا، تو ان کو اپنے آپ کو پریزنٹ کرنا چاہیے اور کورٹ آف لا میں جا کے اس کو ڈیفینڈ کرنا چاہیے کہ اگر کوئی ایسی چیز غلطی ہے تو وہ کورٹ میں جا کے ڈیفینڈ کریں۔ لیکن یہ مین ہینڈلنگ، اور آپ نے بہت صحیح بات کی ہے کہ جو آفیسر اپیئر ہوئے ہیں، جو وہاں گئے ہوئے تھے، وہ میرا خیال 2012 میں میرے ساتھ تھے، میرے سٹاف آفیسر تھے میرا خیال ہے، اور وہ قبر زمان چوری صاحب کے ساتھ بھی رہے۔ جی آواز آ رہی میری آپ کو؟ ہاں جی ہاں جی آ رہی۔ میں نے کہا وہ قبر زمان چوری صاحب کے ساتھ بھی رہے، سابق جو آپ چیئرمین نیب تھے، بڑے سیولائزڈ ہیں، بہت ہی مہذب آفیسر، اور بہت ہی دھیما بولنے والا آفیسر ہے، تو میں بہت ایکسپیرینس آفیسر ہے، میں ایکسپیکٹ نہیں کرتا کہ کوئی ایسی بات ہوئی ہو اس سے۔ اور جب آپ کے پاس ریسٹورینٹ موجود ہے، چیئرمین کے پاس اتھارٹی ہے ریسٹورینٹ کی، تو یہ کام ہونا نہیں چاہیے تھا۔ یہ جس طرح کا وہاں ماحول پیدا کیا، اور اس کے بعد جو تقریر کی گئی کہ آپ دیکھیں، آپ نیب کو مسلسل کنٹروورشل بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، نیب کو سیاست میں گھسیٹ رہے ہیں، احتساب کو سیاست میں گھسیٹ رہے ہیں،
आप गवर्नमेंट का नाम लेके कहते हैं जैसे कि ये जो भी कुछ हो रहा था गवर्नमेंट कर रही है, जबकि इसका कोई ताल्लुक नहीं। नैब टोटली इंडिपेंडेंट अपना काम किए जा रही है, वरना नैब अरेस्ट ना करती तरीके इंसाफ के लोगों को और केसेस ना बनाती तरीके इंसाफ के ऊपर, जबकि वो भी जारी है। और इसकी सबसे बड़ी निशानी ये है कि आप देखिए कि करंट गवर्नमेंट जो है उसने भी विलिंगनेस शो की है कि जी नैब के जो कवानीन हैं उनको अमेंड किया जाए। फरोग नसीम साहब का भी मैंने सुना कि जी वो भी जी उन्होंने कहा पॉलिटिकल पार्टीज को इकट्ठा करके करना है। तो ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज को, क्योंकि नैब जो है एहतसाब का अमल तेज किए जा रही है, तो सबको अपनी अपनी मुश्किल पड़ी हुई है कि ये हमारी बारी आने वाली है, हर बंदे की बारी आएगी, क्योंकि जिसने करप्शन की है वो उसकी बारी तो जरूर आएगी। करण साहब मेरे साथ रहेगा आज, क्योंकि नून लीग का इशू था तो वहीद गुल साहब जो है अपोजिशन में, हुकूमत होने के बावजूद, इनकी अपोजिशन होने के बावजूद आज नून लीग जो है वो हर तरफ बड़ी इम्पोर्टेंस की हामिल है। गुल साहब, ये जो बिहेव किया गया नैब की टीम के साथ, आप समझते ठीक था? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मैं समझता हूँ कि एक आपका प्रोग्राम जो है वो तमाशा है, और आप तो वही तमाशा दिखाते हैं जो तमाशा जो है वो इस वक्त हो रहा है। और एक तरफ हुकूमत है कि जो नित नए जो है वो तमाशे जो है वो लगाने की कोशिश करती है, और उसका बेसिक रीज़न जो है वो आपने जिस तरह से अपने बयानिए में भी कह दिया है कि डिलीवर नहीं कर पा रही, और उसकी स्टोरी जो है वो मैं कहाँ से शुरू करूँ, वो चाहे बेरोज़गारी हो, चाहे महंगाई हो, चाहे इनके अंदरूनी पार्टी के अंदर खुद इनके अपने इख्तलाफात हो, या चाहे उसका नतीजा हो कि हम तो हुकूमत नहीं गिराना चाहते, लेकिन खबरें जो मिल रही हैं और आ रही हैं कि इनकी पार्टी के लोग जो हैं वो राबता करते फिर रहे हैं, तो यकीनी तौर के ऊपर इनके ऊपर एक हलचल जो है वो मौजूद है। जहाँ तक आपने अभी जिक्र किया कि जो टीम गई थी वो बड़े ही आला और गुड ऑफिसर थे, बिल्कुल यकीनी तौर के ऊपर वो होंगे, और वो भी एक ऑर्डर के तहत जो है वो गए होंगे ज़रूरी तौर के ऊपर। लेकिन देखिए बात ये नहीं है, बात ये है कि अगर तो मसला ये है कि आपने इसको एक कानून से हट के चीज़ों को करना है और अपनी मनमानी के साथ करना है, तो फिर ठीक है, फिर आप जो आपका दिल करता है नैब का वो अपनी करने के अंदर आज़ाद है। लेकिन अगर वो सुप्रीम हाई कोर्ट के इस फैसले को नहीं मानता कि पेशगी जो है वो 10 दिन पहले इत्तला देना ज़रूरी है, तो ना माने। अगर वो सुप्रीम कोर्ट की ये प्ली लेता है कि जी अगर किसी के पास वादिया सबूत मिल जाए तो वो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकता है, तो हम ये कहेंगे कि अगर ये हुकूमत की आशीर्वाद ना हो तो फिर तो इतना बड़ा केपीके के अंदर जो उनकी मेट्रो बनी है, बजाते खुद जो चीफ मिनिस्टर की इंस्पेक्शन टीम है उसने उसके ऊपर जो है वो अदम एतमाद कर दिया है, ठीक, और अरबों की करप्शन जो है वो सामने आ गई है। तो हम ये क्या ये कौम के सामने या नैब के सामने ये क्या सबूत जो है वो मौजूद नहीं है? अगर वहां पर कोई पेशरफ इस तरह की होती तो हम जरूर मानते कि हाँ जी ये सारे मामला जो है वो न्यूट्रल सतह के ऊपर हो रहे हैं, लेकिन ऐसा जो है वो कुछ सिरे से है नहीं। या तो ये हो कि हमजा शहबाज शरीफ साहब जो है वो राह फरार जो है वो इख्तियार कर चुके हैं, वो लंदन जा चुके हैं, और लंदन से वो वापस जो है वो इस हालत के अंदर नहीं आए कि अपनी नौ मौलूद बेटी को उस हालत के अंदर छोड़कर वो वापस ना आए हो। तो आप कह सकते हैं कि नैब ने उनके वापस ना आने की वजह से लंदन को टीम भिजवा दी है जो कि उनको गिरफ्तार करने चली गई है, तो बात समझ में आती थी। लेकिन लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जिसने असेंबली में भी जाना है, जो हर वक्त जो है वो मौजूद भी है, और उसके घर के ऊपर आप छापा मारने के लिए नहीं जाते, आप एक तमाशा लगाने के लिए जाते हैं। और फिर ये कहा जा सकता है कि अगर आज जो है बात, आप तो लोगों की आवाज है, आपका प्रोग्राम जो है जो मसाइल को उजागर करता है रोज की बुनियाद के ऊपर, अगर आज हम यहां नैब का किस्सा लेकर ना बैठे होते, आज इस छापे को लेकर ना बैठे होते, तो आप हुकूमत का वो चेहरा सामने लेकर आ रहे होते कि कहीं पर आप रेलवे स्टेशन के ऊपर दिखा रहे होते कि शेख रशीद साहब की जुबान तो चलती है लेकिन उनसे ट्रेन नहीं चलती,
कहीं पर आप जाकर जो है महंगाई के ऊपर आवाज बुलंद कर रहे होते और कहीं पर आप किसी कॉलेज की दहलीज के ऊपर होते कि यहां पर नशा बिक रहा है। लेकिन आज अफसोस के साथ ये हुकूमत ने या तो प्री प्लान, इसलिए हम कहते हैं कि इन आज सारे मौजूदात से आप भी हटके प्रोग्राम कर रहे हैं, कहीं बाहर भी और किसी चैनल के ऊपर भी कोई और बात नहीं हो रही, तो फिर फर्क जो है वो साफ जाहिर है। अगर गिरफ्तार करना मकसद होता तो इससे पहले क्या शहबाज शरीफ साहब को साफ पानी में बुला के जो है वो आशियाना के अंदर गिरफ्तार नहीं किया? और क्या हमजा शहबाज शरीफ साहब को जो 9 तारीख की कॉल दी गई है, क्या इस तरह की कॉल देके कुछ और नहीं किया जा सकता था? मकसद ये नहीं है, ठीक है, मकसद ठीक जो है वो इसके पीछे शॉर्ट ब्रेक, बहुत बड़े अजाइम शॉर्ट ब्रेक लेनी है, शॉर्ट ब्रेक हमारे साथ। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। मैं चाहूंगा जी आज सारी ओपोजिशन जो है वो पहले बात कर ले और फिर हुकूमत से हम जवाब मांगे कि हुकूमत जो है उस पर क्या टेक है। मीर साहब मुझे ये बताइए कि आज का जो मामला था इसमें पीपल्स पार्टी ने भी तो ये किया था और आज वही नून लीग ने किया, तो इस मामले में सड़कों पर आने के मामले में और इदारों को किस तरीके से करना है ये तो वो बिल्कुल रेप्लिका नजर आया जिस तरह कर्नल साहब फरमा भी रहे थे, क्या आपका टेक है? देखें, शहबाज शरीफ साहब के ऊपर भी अरबों रुपए के चार्जेस थे लेकिन बाइज्जत उनको बरी कर दिया गया। नैब की जो क्रेडिबिलिटी है उसमें ऑलरेडी जीरो हो चुकी है और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए एक टूल जो है वो इस ये केस भी उसी तरह का एक लग, मैं कोई डिफेंड नहीं कर रहा नून लीग को लेकिन लग ही रहा है कि जिस तरह उनके वालिद साहब के ऊपर अरबों रुपये का केस था और वो उसमें क्लियर हो गया, या हमजा शहबाज शरीफ साहब का भी इसी तरह ही होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो आइन, जिस आइन के जरिए पाकिस्तान में एक सियासी निज़ाम तश्कील दिया, अगर इमरान खान साहब ने पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के जरिए उस आइन पर हमला करने की कोशिश की तो पीपल्स पार्टी जो है वो उसको रजिस्ट करेगी, क्योंकि ये जो आइन को 18वीं तरमीम को तब्दील करने की बात कर रहे हैं या सदारती निज़ाम को लाने की बात कर रहे हैं, तो अगर इन्होंने कोई इस तरह की अटैम्प्ट की तो जो हाल सदर परवेज मुशर्रफ का हुआ था, सदर याहिया का हुआ था या सदर ज़ियाउल हक का हुआ था, तारीख में इमरान खान का नाम भी उसी हवाले से लिखा जाएगा। पाकिस्तान के सियासी कारकुन ये समझते हैं कि नैब जो है एक पॉलिटिकल पार्टीज को कंट्रोल करने के लिए एक घटिया किस्म का टूल है, यही वजह है कि आज हमजा के कारकुनों ने उसको रजिस्ट किया। और पीपल्स पार्टी के कारकुन जो हैं, जब पिछले महीने जरदारी साहब की और बिलावल साहब की तारीख थी वहाँ पर वो उन्होंने जिस किस्म का रजिस्ट किया वहाँ पर पुलिस को और नैब के दरवाजे तक पहुँच गए और नैब का दरवाज़ा तोड़ने पर मुसर थे, वो तो पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने उनको कंट्रोल किया, क्योंकि जिस तरह का भी पपेट नैब है या जिस तरह का भी ये मफलूज इदारा है उसकी पीपल्स पार्टी की क्यादत ये समझती है कि रिट रहनी चाहिए जिस तरह का भी इदारा हो। लेकिन ये एक क्वेश्चन मार्क है कि कब तक पीपल्स पार्टी के कारकुन जो हैं नैब जैसे इदारे की के साथ कोई बड़ा हादसा पेश आने से रोके रखेंगे पीपल्स पार्टी के कारकुनान को जो पार्टी की क्यादत है। और आप इसकी मिसाल ये देखें कि आगा सिराज दुरानी को आप अरेस्ट करते हैं इस्लामाबाद से और उसकी फैमिली, उनकी फैमिली को आप 6 घंटे उनकी खवातीन की भी तजलील करते हैं, उनको हफ्ते बेजा में रखते हैं। इस तरह के वाकयात जब सियासी कारकुन देखते हैं तो वो उनके जज्बात जो हैं वो अपनी लीडरशिप के लिए और तरह के हो जाते हैं। अब इमरान खान साहब जिनका के धर्म तख्ता होने जा रहा है अनकरीब, उनको सोचना चाहिए कि जो उनकी नैब ने आगा सिराज दुरानी की फैमिली की खवातीन के साथ किया, यही आगा सिराज, यही नैब के कारकुन कल को इनकी बापरदा खवातीन के मुंह के ऊपर भी जाके सिगरेट के मरगोले अगर फेंकेंगे तो उसका क्या, यानी कि जो आप बोते हैं वो आप काटते हैं, तो जरा थोड़ा सा पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में ख्याल करें, ठीक है, तो अपने आप को थोड़ा जो डिसेंसी के अंदर इसको नैब को रखें। मुसर चीमा साहिबा, ये आपने अपोजिशन की गुफ्तगू सुन ली, क्या आपका टेक है आज के वाकये पे, क्या रद्दअमल हुकूमत का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये कि जिस तरह से अभी हमजा साहब ने जिस तरह से फरमाया कि जी सुपरमैन बन के आए, वो तो बेचारे, आपने अभी जैसे वो जो ऑफिसर गए हैं उनकी हिस्ट्री बताई है कि ही इज़ द मोस्ट डिसेंट पर्सन नैब में, तो नैब की मेरा ख्याल है एक तो ये इनको इस एग्जाम्पल से पता होना चाहिए कि रॉन्ग च्वाइस थी, वो कोई वाकई सुपरमैन भेजते, और सुपरमैन तो हमजा बना है कि भाई आपने इदारों की, अगर ये लीडर होता कोई पॉलिटिकल वर्कर होता तो
खुशी से, क्योंकि ये तो बेगुनाह है, 86 अरब की करप्शन तो इन्होंने की नहीं है, वैसे भी थोड़ी सी अमाउंट है, उससे क्या फर्क पड़ना था इन्हें, और जितना छोटा इल्जाम बकौल उनके 86 अरब रुपए। अब हमें भी समझ आती है कि जब खरब आ की करप्शन हो तो 86 अरब के लिए सिर्फ, अब हमजा की भी थोड़ी सी तजलील ही बेचारे ने फील की होगी कि इतनी थोड़ी अमाउंट के लिए इन्होंने मुझे इतने शरीफ से लोग पकड़ने के लिए भेज दिए। देखें ये किन लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, उन लोगों को जिन्होंने पहले ही इनकी करप्शन की कोर्ट्स फैसले करें ना करें, नैब फैसला करें ना करें, पब्लिक ने फैसला दिया कि उन्होंने इनको जो मैंडेट जो भी इन्होंने लूट खसूट करके लिया हुआ था वो वापस ले लिया। तो पब्लिक को बेवकूफ बनाना छोड़े, अपने आप को अकाउंटेबिलिटी में और इदारों के, इस मुल्क के जिस 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 मुल्क पे ये रूल करने की ख्वाहिश रखते हैं उस मुल्क के इदारों को माने और अपने आप को पेश करें, क्योंकि इन्होंने तो करप्शन की नहीं है, जाएं इनोसेंट होके बाहर आ जाएं। लेकिन जो आज वर्स्ट एग्जाम्पल इन्होंने दी, जिस तरह से ये उन जो जो दूसरा सरकारी मुलाजमीन के ऊपर इन्होंने उनके कपड़े फाड़े, जिस तरह से इन्होंने उनकी तजलील की, और फिर आके बड़ी अच्छी सी इसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसने तो अपने आप को एक छोटा मोटा सियासी वर्कर भी साबित नहीं किया। सियासी वर्कर के लिए तो अगर बेगुनाह अरेस्ट हो तो एक बहुत बड़ी जीनत होती है ये उसके पॉलिटिकल करियर में। जहां तक बात रह गई कि अभी भाई मेरे दोनों एक दूसरे को इस तरह से डिफेंड कर रहे थे, तो मेरा ये मानना है एज ए सियासी वर्कर कि ये पीपल्स पार्टी नून को डिफेंड नहीं करती और नून पीपल्स पार्टी को डिफेंड नहीं करती, ये एक दूसरे का करप्शन मनी को बचाने, अपने अपने पैसे बचाने के लिए एक दूसरे के लिए, जिस तरह से माशाल्लाह ये जी हम तो ये नहीं चाहते, हम तो ये चाहते हैं। इस मुल्क में जितनी बेदर्दी से करप्शन की गई है ना, अगर उतना बेदर्द एहतसाब हुआ ना तो ये इस मुल्क में रह नहीं सकेंगे। इनको पता होना चाहिए जितनी आसानियां इनको मिल रही है ना, आम जो इस मुल्क के आम लोग हैं वो अगर नैब वहां पे जाती तो उनके साथ ये ना होता जो नैब के साथ आज हुआ है। तो इदारे आज भी इन्होंने इदारे के कुछ लोगों को, या पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती एज ए सियासी वर्कर एक आम पाकिस्तानी की हैसियत से कि इनको किस चीज की छूट दी जाती है। 6-6 हफ्ते इनको तफरी के लिए दिए जाते हैं कि घरों में जाएं अपनी सेहत बहाल करें, और फिर आज बाजी का फिर ट्विटर ऑन हो जाता है, और जब इस मुल्क पे कड़ा वक्त आता है, जब इस मुल्क पे लोग बैरूनी ताकतें हमला करती हैं, फिर इनके ट्विटर अकाउंट सुमुन बुकमुन हो जाते हैं। लोगों ने फैसला दे दिया है, अब वक्त है स्टेट के फैसला करने का। मेरा ये वाकई हुकूमती मशीनरी से एक बहुत बड़ा सवाल है, मेरा हुकूमती इदारों से बहुत बड़े सवाल हैं कि मैं, ठीक है मेरा ताल्लुक हुकूमती जमात से है, लेकिन मैं उसके साथ साथ अवाम को रिप्रेजेंट भी करती हूं और अवाम में से हूं भी, कि क्या एक आम आदमी अगर आज ये करता तो आज उसके साथ ये सलूक होता। लिहाजा मैं ये कहती हूं कि जब तक इस मुल्क में कड़ा एहतसाब प्रैक्टिकल ग्राउंड पे नहीं होगा, ये लोग सुधरने वाले हैं नहीं। इनको जब हम कहते हैं कि जी अकाउंटेबिलिटी के लिए आप पेश हो, ये सीधा सीधा मुल्क की सालमियत को अटैक करते हैं। आप जरा बिलावल साहब की स्पीचेस निकालें, किसी और मुल्क में ये जुरत करते ना तो इनको लग पता जाता, ये जिन मुमालिक में इन्होंने अपने एसेट्स रखे हुए वहां पे जरा जाके ट्रैफिक रूल तोड़ के दिखाएं, इधर तो कपड़े फाड़ते हैं। हमजा साहब ने अपने वालिद साहब को देखा है ना लंदन की सड़कें क्रॉस करते हुए, तो यहां पे इन्होंने हमारे स्टेट के रियासत के जो मुलाजमीन है जो स्टाफ है उनको क्या समझा हुआ है, वो इनके पेड गुलाम नहीं है, वो हमारे टैक्स मनी से उनको सैलरी जाती है और वो स्टेट के मुलाजमीन है, स्टेट के वो स्टाफ है। सो इनको होश के नाखून लेने चाहिए। मैं फिर दोबारा रियासती इदारों से सवाल करती हूं कि अगर कोई आम शहरी इस मुल्क में ये सब करता तो उनके साथ क्या सलूक किया जाता, इनको किस चीज की छूट दी जाती है, इनको किस चीज की ढील दी जाती है। कोई इनके पीछे अवाम नहीं है, ये चंद पेड लोग हैं, ये भी जब कड़ा एहतसाब होगा, और अगर इनके पीछे चंद लोग हैं भी तो एहतसाब सबका होना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी जिस मर्जी जमात से कोई ताल्लुक रखता है, जब रूल ऑफ लॉ की बात होगी तो सबको पकड़ा जाना चाहिए। और आप इन्होंने पॉलिटिकल वर्कर को आप अपनी बंद रखे, अपनी बारी पे बोले, अभी मैंने कुछ भी नहीं बोला, अभी तो मैंने कुछ भी नहीं बोला, आप अपनी बारी पे बात करें, लेकिन आपको बारी पे बोलिए और आप बारी पे बोलिए, मुझे हमारे वर्कर बारी पे बोलिए, मैं टैक्स का पैसा देती हूँ और आप पहले कौन सा आम का इमरान खान के इदारों पे सामने ले आए, आप इदारों पे चार्ज करते हैं और फिर टैक्स दिया उसने इमरान खान ने, और फिर भाई हम आपको हम बता लेंगे, हम आपको बता लेंगे, बता रहे हम आपको बता रहे हम आपको बता रहे और बड़े अच्छे अच्छे जवाब मिल रहे हैं। ये तो अभी कुछ भी नहीं है हमें। हाँ आज मैं एक पाकिस्तानी शहरी की हैसियत से मैं गम और गुस्से में हूँ कि इन्होंने इस मुल्क को तमाशा बनाया हुआ है, ये रियासत इनके लौंडी है घर की, इस तरह से ठीक है लौंडी है इस मुल्क के, इन लोगों की गुलाम है आप लोगों के,
तो फिर आप उनके खिलाफ ये आप अपनी जाके ना बाजी मरियम का हिसाब दें और आराम से तमीज से बैठे। अच्छा, मैं आपकी बारी में नहीं बोली, बारी में बोली, बारी में बोली, इंटरफेयर ना कीजिए, आपका ज्ञान सुना, इंटरफेयर ना कीजिए, इंटरफेयर जी बिल्कुल, आप छुट्टियां चलाना शुरू कर देते हैं किस बात की, चोरी के पैसे के पीछे, चोरी के पैसे के पीछे आप भी हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं, सोचना चाहिए, दलाल दीजिए, लड़िए नहीं, प्लीज दलाल दें, आप लॉजिक से बात करें, आप तो औरतों की तरह बारी बारी बोलिए, जो कमाई है उसका आप दिलाई दे, औरतों की तरह अच्छा लगता है, एक लाख रुपया इमरान खान साहब ने टैक्स जमा करवाया उसका जवाब दे। जी इमरान खान ने कोई टैक्स नहीं जमा कराया, कोई टैक्स नहीं जमा कराया, आप अपना हिसाब दे, लोगों से किस तरह से टैक्स, इमरान खान ने कोई टैक्स नहीं जमा कराया, जब हम थे ना टैक्स नहीं दे रहे थे, आपने हमें नहीं पकड़ा, ये आपकी गलती है, आपने जो कुछ किया हम आपको नहीं छोड़ेंगे, बात खत्म, पकड़ रहे हैं ना, हम तो पकड़ रहे हैं, हम तो पकड़ रहे हैं, बहन को तो सबसे पहले, इसीलिए तो आप लोग कभी दो पैसे आप लोग पकड़े हैं, मैं पकड़ रहा हूं, ये क्या चल रहा है, ये आप लोग पकड़े हैं, नहीं पकड़े हैं, नहीं देखिए, नहीं ये हमें इल्जाम लगाते हैं ना, तो हम कहते हैं ठीक है, ये तो कहते हैं कि हम पकड़ रहे हैं, तो ठीक है हम पकड़ रहे हैं। अच्छा भट्टी साहब, भट्टी साहब सुन रहे हैं सारी बातें, भट्टी साहब रिस्पॉन्ड कीजिए प्लीज, प्लीज रिस्पॉन्ड कीजिए। देखिए दो चीजें, एक हमारे नून लीग के भाई ने कहा कि जी गवर्नमेंट जो है वो शायद डिक्टेट कर रही है थ्रू नैब, या नैब टो कर रही है गवर्नमेंट की लाइन को, मैं एक बात बड़ी क्लियर, जी 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 मैं बड़ी एक बात क्लियर करना चाहूंगा कि नैब टोटली इंडिपेंडेंट है, 5 साल पीपुल्स पार्टी की हुकूमत थी तो उस जमाने में भी नैब ने पीपुल्स पार्टी के लोगों के ऊपर भी केसेस बनाए, 5 साल ही नून लीग की गवर्नमेंट थी, यही नैब थी, इसने नून लीग के लोगों के ऊपर भी केसेस बनाए, और आज यही नैब है और तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, तो तहरीक इंसाफ के लोगों की बारी भी लगी हुई है, उन वो भी अंदर भी हैं और कुछ लोग तैयारी पे भी हैं, उनके केसेस भी बन रहे हैं, तो पहली बात तो है कि ये नहीं, लेकिन दूसरी तरफ मैं ये कहूंगा कि आप होते हैं, आप बाखबर है इस वक्त, पता है मुझे जी, दूसरी ये है कि हमारे गवर्नमेंट के लोगों को ये एहतियात करनी चाहिए, ये कभी भी नहीं कहना चाहिए कि जनाब अभी बारी आने वाली है, लोगों को पकड़ लेंगे और हम लोगों को नहीं छोड़ेंगे। देखिए ये कोर्ट का काम है छोड़ना या ना छोड़ना, नैब पकड़ती है कोर्ट के सामने पेश करती है, इसमें गवर्नमेंट का कोई किरदार नहीं है, और गवर्नमेंट के वजरा आगे टीवी के ऊपर फौरन नैब की कारकर्दगी के ऊपर कमेंट देना शुरू कर देते हैं जिससे नैब का किरदार जो है वो कंट्रोवर्शियल हो जाता है, ये नहीं होना चाहिए, नैब को इंडिपेंडेंट अपना काम करने दें, हाँ जहां नैब को जरूरत होगी उसका लॉ मौजूद है, वो किसी से भी असिस्टेंस मांग सकता है, किसी लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी से असिस्टेंस मांग सकता है, आज जो कुछ हुआ है अगर नैब ने तहम्मुल का मुजाहरा किया है तो मैं उसको भी अप्रिशिएट करता हूं, लेकिन नैब के चेयरमैन की तरफ से कोई ना कोई स्टेटमेंट आ जानी चाहिए, ना कि गवर्नमेंट का कोई शख्स जो है वो कोई स्टेटमेंट दे कि जी ये हुआ है तो ये हुआ है तो हम ये करेंगे, नहीं ये नहीं होना चाहिए, चेयरमैन नैब टोटली इंडिपेंडेंट है। आपके कहने का मतलब है भट्टी साहब कि जब नैब कोई कार्रवाई करता है तो पॉलिटिकल लोग जो हैं हुकूमत के वो जब पॉलिटिकल डिबेट उस पे शुरू करवा देते हैं तो वो भी जो है लगता है इस तरह है कि शायद हुकूमत करवा रही है, तो इस तरह इमेज खराब होती है। मेरे जेब में सवाल है, अगर मुझे मिल जाए तो बड़ी तसल्ली वाली। जी जी बताइए बताइए, गुल साहब का सवाल ले लीजिए। भट्टी साहब मैं एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि क्या अच्छा हो कि नैब एक न्यूट्रल किरदार उसका इस तरह से सामने आए कि अगर किसी को शक की बुनियाद के ऊपर वो पकड़ भी ले या किसी के खिलाफ वो केसेस भी बना ले और उसको बाद में ये पता चले कि ये बंदा जो है गिल्टी नहीं है, तो अगर उसके बारे में ये माजरत आ जाए या उसको बाइज्जत बरी कर दे बजाय इसके कि उसको कोर्टें जो है वो बरी कर रही हो, तो क्या ये अच्छा ना हो कि जरूरी कि भाई वो फिक्स करके ही रहेगी नैब का। हम देखते हैं कि नैब हर सूरत के अंदर जो है वो जिसको पकड़ती है उसके खिलाफ जो है वो रेफरेंस जो है, पहले तो ये बताए ना जिस तरह से 2010 के अंदर किसी के ऊपर केस बना है, 2002 के अंदर किसी के ऊपर केस ठीक बना है, ठीक है आगे तो फिर सवाल आ गया, सवाल आ गया, सवाल आ गया, और फिर कई सालों के बाद जब पॉलिटिकल सिनेरियो आता है तो उसके ऊपर वो केस जवाब ले ले, जवाब ले ले, जवाब ले। आपने सवाल किया मैं जवाब देता हूँ। जी जी बढ़िया। कि जहाँ नैब समझती है कि इससे गलती हुई हुई है तो पूरी अगर पिछली 20 साल की नैब का रिकॉर्ड देखिए तो कई जगहों पे नैब ने केसेस विड्रॉ किए हैं, प्रोसिक्यूटर जनरल अदालत में गया है और उन्होंने कहा हमसे गलती हुई ये केस हम विड्रॉ करते हैं। और मैं यहाँ एक मिसाल देना चाहूंगा क्योंकि उस वक्त मैं जूनियर ऑफिसर था, पिशावर में था, 2001 की बात है, हम एक केस हारे थे कोर्ट के अंदर और जब हमने उसकी दोबारा से पूरा चेक किया तो पता लगा कि वाकई ही
ये गलती हुई है, क्योंकि जो एविडेंस उसने अदालत में पेश की लाके वो बड़ी सही थी। तो उस शख्स को, उस वक्त के डीजी जो थे, वो उस वक्त यूनिफॉर्म में होते थे, उन्होंने खुद बुला के उसको चाय पिलाई और माजरत की उससे कि जी हमसे गलती हुई और हम माजरत है। तो ये हमारा नैब का किरदार ऐसा नहीं है। सबको पिलाते हैं, ये तो आपका शुक्रिया है। नहीं नहीं, बिस्किट भी देते हैं। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ, साद रफीक साहब दो दो चाय पिया करते थे, दो दो चाय नैब से। नैब अपना पूरा कोशिश करती है कि वो न्यूट्रल रहे, लेकिन चक्कर ये हो रहा है कि हमारी सारी पॉलिटिकल जो वर्क है, हायरार्की, वो उसको सियासत में इन्वॉल्व कर देती है। ओके ओके, जितना केपीके के जो आजकल उनकी चीफ मिनिस्टर की खुद इंस्पेक्शन टीम ने सबूत पेश कर दिया कि अरबों रुपए की करप्शन हुई है, तो फिर क्यों नहीं उसके ऊपर नैब आता? ठीक है ठीक है ठीक है, इसका भी जवाब लेते हैं। भट्टी साहब, मैं मीर साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए जी, नैब के हवाले से बात हो रही है और जो नैब के जो ऑफिसर हैं वो उसको डिफेंड कर रहे हैं बड़े ज़ोरदार तरीके के साथ, लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान जो है दुनिया की तारीख का एक वाहिद मुल्क बन चुका है कि जिसमें दो चीज़ों के साथ इस वक्त हुकूमत चलाने की कोशिश की जा रही है, एक नैब की पोलिटिकल इंजीनियरिंग के साथ और एक आस्ताना बनी गाला में रखे हुए जादू के प्याले के साथ। इमरान खान साहब जो हैं वो जो सुहाने ख्वाब दिखा रहे थे वो सारे ख़त्म हो चुके हैं और लोग जो हैं इस वक्त बुलबुला उठे हैं। उनकी जेब में से आखिरी 10 रुपये भी इमरान खान साहब ने निकाल लिए हैं और वो उनके पास कोई नैरेटिव जो रह गया है वो ये रह गया जी कि मैं तो इनको गिरफ्तार करने के लिए आया हूँ पावर में और तो मेरा कोई पर्पज नहीं था। लोग हंसते हैं, आज जो तकरीर की है ना खान साहब ने, उस पर लोग हंस रहे थे और अफसोस का इजहार कर रहे थे कि इस बंदे को और कोई बात नहीं पता, हम भूखे मर गए, ये कह रहे हैं मैंने गिरफ्तारियाँ करनी हैं। तो बात यह है कि जब आप लोग जो हैं पॉलिटिकल ग्राउंड रियलिटी से परे हो जाएंगे और इस तरह की बातें सिर्फ रह जाएंगी आपके पास, तो लोग जो हैं वो बेवकूफ नहीं हैं। इस वक्त जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो ऐलान किया है इसका हुकूमत गिराने का, इस सूरत हाल में अगर आसिफ जरदारी साहब को नैब के जरिए इमरान खान साहब गिरफ्तार करते हैं तो ये पीपल्स पार्टी की इस मूवमेंट को जिला बख्शेगी, क्योंकि उसकी वजह यह है कि लोग जो हैं इमरान खान के नैरेटिव पे नहीं जाएंगे, वो अपनी जेब की तरफ देख रहे हैं, वो इमरान खान की ये जो रोजाना की शॉर्ट एक ब्रेक लेंगे, शॉर्ट ब्रेक लेंगे। और अब तो यहाँ भी हालात पंजाब में भी खराबी का शिकार है, लोग कह रहे हैं कि अगर बुज़दार साहब को चेंज भी किया जाता है तो 14 जून के बाद चेंज होंगे, अगर ऐसा होता है तो चौधरी भी साथ नहीं है, इस पर हालात खराब हैं, पंजाब हाथ से जा सकता है, इस तरह की बातें सेम गोइयां, बहुत ज्यादा अफवाहें फैली हुई हैं। शॉर्ट ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस। नैब की जानिब से जब भी कोई बड़ी गिरफ्तारी अमल में आती है तो उसमें माजी की चीजें कुछ याद आ जाती हैं। साद रफीक साहब से हमने उनकी गिरफ्तारी से पहले जो बात की थी वो भी जरा सुनिए कि साद रफीक साहब चल रहे हैं और उस तोते को ढूंढने की ट्राइयां जारी हैं जिस तोते में आपकी जान है और नदीम ज़ा नहीं मिला उन्हें। क्या हालात हैं, क्या खतरा है आपको अभी तक, गिरफ्तार भी हो सकते हैं और वो तोता पकड़ा जा सकता है जिसमें आपकी जान है? मेरी जान तो किसी तोते में नहीं है, मैं पहली बात आपको वाजे कर दूँ। दूसरी बात यह है कि अगर कोई ये सोचता है किसी जगह पर बैठ के कि वो किसी को पकड़ के अप्रूवर बनाने की कोशिश करेगा, उसको सिक्योर टाइट करके, तो ये तो फेयरनेस नहीं है। अगर आपके पास आप किसी के खिलाफ कोई सबूत जी, ये सूरत हाल है। अच्छा, इसमें अब मैं बताता हूँ कि ब्रेक में जाने से पहले मुसरत साहिबा की जो टर्न है वो रह गई थी, उन्होंने रिस्पॉन्ड भी करना था। मुसरत साहिबा, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि मीर साहब ने कहा है कि दो ही चीज़ें रह गई हैं, या तो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग नज़र आती है या कोई प्याला तिलिस्माती प्याला, पता नहीं, मुझे नहीं पता, इन्होंने कोई जिक्र किया, क्या आपका टेक है? सबसे पहले तो बड़े अफसोस के साथ कि जब भी इस मुल्क में करप्शन की, अकाउंटेबिलिटी की बात हम लोग करते हैं तो ये लोगों के घरों तक जा घुसते हैं। इस चीज़ का अंदाज़ा लगाए बगैर कि एक पार्टी की लीडर भी खातून रह चुकी हैं और दूसरी पार्टी की लीडर भी खातून बनने की ट्राइयां कर रही हैं, शर्मनाक बात है किसी भी पॉलिटिकल लीडर के लिए। मैं ये कहती हूँ कि जब आपका लॉजिक ख़त्म हो जाता है, जब आपके पास कोई जवाब नहीं होता तो आप तस्दीक करते हैं और तस्दीक वो करते हैं कि जिनके लीडर के बारे में जिनको ना बोलने का पता है, जो पपिट, जो डमी, एक बच्चा जिसको जो वो बोल रहा होता है, आप उससे उसका नैरेटिव पूछ लेना, क्रॉस क्वेश्चन करें, वो नहीं बता पाएगा। सो पहले तो इस बात पे
मैं कंडेम करती हूँ कि अगर करेक्टर की बात है ना, नहीं आप तिलिस्माते, तो आप ये वो लोग बात कर रहे हैं कि जिनके लीडर टिकटें ब्लैक करते थे सिनेमाज की परफॉर्मेंस, अब हम नहीं बात करते जिनके आप अपने, अब सुन ले आप जो मर्जी कहते रहे मैं बोलती हूँ। अच्छा उसके बाद ये वो बात कर रहे हैं जो 100% से 110% के नाम पे मशहूर है, जिनकी वजह शोहरत ये है। और जब गूगल पे आप टाइप करें ना तो जरदारी साहब का मतलब अभी निकालें और ऑनियर इनको दिखाएं, इनको समझ आ जाएगी। इस मुल्क की ये तकदीर ही नहीं थी जैसे लोग इस मुल्क पे मुसल्लत कर दिए गए और डिलीवर करने की बात ये कर रहे हैं जिनकी सूबे के अंदर सिंध में इनसे पूछे ना इन्होंने किया क्या है, सिंध में कोई एक अच्छी चीज बता दो जहाँ पे आज भी बच्चे थर में मर रहे हैं, जहाँ पे आज भी कूड़ा नहीं उठाया गया, जहाँ पे आज भी आप लोगों की हुकूमत है, पहले भी आप लोगों की हुकूमत है, कोई एक कामयाबी वो बिलावल जरदारी का बच्चा बता दे कि जिसने जिसमें उसकी वालदा से लेके उसके पूरे खानदान ने उस मुल्क को कोई फायदा पहुंचाया और वो तरक्की की राह पे वो क्यों नहीं लेके गया, ट्रेनों के सफर करता फिर और उस ट्रेन की हालत देखे। शेख रशीद साहब ने तो ट्रेन की हालत बेहतर कर रहे हैं, करने की कोशिश ही कर सकते हैं ना हम लोग। अब हम लोगों से तवक्को की जा रही है कि जो जरदारी यानी कि बिलावल के अब्बा जी ने, जो बिलावल की अम्मा जी ने और इन्होंने मिलके शोले ने जिस तरह से इतनी माँ तो माँ ही होती है ना, अम्मा भी हम कहते हैं ना, कोई मैंने बैड वर्ड फिर भी नहीं बोला, आप जैसी हरकत मैंने तो कोई नहीं की। अच्छा जिन्होंने इस मुल्क को दिन दुगनी रात चुगनी एफर्ट करके इस धाने पे पहुंचाया, इकोनॉमी का जो बेड़ा गर्क किया, डॉलर के साथ जो कुछ हुआ, मुल्क को भूला नहीं है, इस मुल्क के अवाम को भूला नहीं है। आज वो क्या कर रहे हैं लोग, जितना अच्छा आप ना इस चीज का सर्वे करा ले, अभी हम निकलते हैं रोड शो पे कि लोग आप लोगों पे हंसते हैं, हमने किया क्या जो हम पे हमारे पे ये हमारे पे लोग गुस्सा है कि इन्होंने हमसे वादा किया था कि हम जाते साथ करप्ट लोगों को लटकाएंगे, खान ने लटकाया क्यों नहीं, हम पे लोग गुस्सा जरूर है कि ये चोरी का माल लूटा हुआ वापस लेके डॉलर सस्ता करने की इन्होंने बातें की थी और अभी तक ये चोरों को लटकाने की बजाय कभी हॉस्पिटल में भेजते हैं, कभी उन्हें घर ट्रिप पे भेजते हैं। हाँ लोग हमसे गुस्सा है और हम इनकी अकाउंटेबिलिटी उस तरह से नहीं कर पाए, अभी तक करेंगे जरूर। इस बात पे हम शर्मिंदा जरूर हैं, हम इस बात पे शर्मिंदा नहीं है कि हमने करप्शन की ना, हम इस बात पे शर्मिंदा है कि हमने डिलीवर नहीं किया। हम पूरी कोशिश करें, 5 साल पूरे तो होने दें, फिर हम आपको बताएंगे। अभी आप लोग जो मर्जी ड्रामे कर लो, इस मुल्क में अकाउंटेबिलिटी होके रहनी है, वो इस मुल्क के अवाम ने करवा के रहनी है, हमने कुछ नहीं करना, इदारे करेंगे ठीक है। वो लोग करवाएंगे। अब आपके सारे प्रोग्राम के अंदर जो सूरत हाल बनी वो आपके सामने है, इनका एक बहुत बड़ा मसला है कि बजाय ये इसके के इनके पास कोई प्रोग्राम जो ये पहले दावे करते थे इलेक्शन से मंशूर, यानी प्रोग्राम हमारा मंशूर है कि चोरों से पैसा लेके इस मुल्क की इकोनॉमी को ठीक करो, सस्ता करना था, बिजली सस्ती बात यह है कि अंपायर को भी साथ मिला, लोगों को पता है इकोनॉमी कैसे ऊपर उठनी है, जो पैसा आएगा पैसा कहां से आ रहा है, किस घर में पड़ा हुआ, किस मुल्क में पड़ा हुआ, कौन सा अकाउंट है, बारी बारी बोलिए, बारी बारी लेके जाती थी, लोगों को पता है वो पैसा आएगा तो इकोनॉमी ठीक, बारी बारी बोलिए, बारी बारी जी गुल साहब। देखिए बात यह है कि इनके पास पहले ये शुरू करते थे तकरीर इया कनाबुदु व इया कनस्तईन से, ठीक है। अब मेरा ख्याल है कि हुकूमत में आने के बाद इनका नारा सिर्फ यही है कि जहां से ये शुरू करते हैं चोर चोर और डाकू डाकू की बात तो सुन ले, अगर आपने कुछ करना नहीं है तो बात यह है कि हम इनको इनका चेहरा क्या दिखाएं। हम तो हर रोज जो है वो असेंबली के फ्लोर के ऊपर हो, आपका तमाशा प्रोग्राम हो, अब तो बस हो गई हुई है आवाम की, जो कुछ इन्होंने कर दिया हुआ है, जो इन्होंने महंगाई कर दी हुई है, जो जिस तरह से गरीब आज पिस रहा है, ये तो इनका मसला है। हमारे सर पे है कि आप लोगों ने वादे किए थे जल्दी शहबाज भाई, आप इनको 75% से अबव लोग इनकी पार्टी में, वो लोग हैं कि जिनको आज भी इनको बजाते खुद पूछ ले, हमारी बहन को कि इनको पूछ ले कि आज टमाटर क्या भाव है, आलू क्या भाव है, लाल मिर्च क्या भाव है, कभी जिंदगी में ये कभी बाजार जो है वो खुद से लेने के लिए नहीं गई होगी। तो ये इनका मसला है, प्रॉब्लम है, इनको कुछ पता नहीं कि क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, बस इनका प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने एहतसाब की रट लगाई है। जब कहा जाता है कि आप ये कुछ करवा रहे हैं तो जवाब मिलता है हुकूमत कुछ नहीं करती। एक एक करके बोलिए ना बारी बारी। मैं भट्टी साहब से एक सवाल, एक
माधुरी के साथ रह गया है अगर वो मौजूद है तो जी सवाल है, आप कसम उठाते हैं कि इन्होंने करप्शन नहीं की, आप कसम उठाएं कि हमजा ने करप्शन नहीं की। ये कनाफुदू लेके आए थे ना, एक मेरी गुजारिश है, आपने बड़ा अहम सवाल जो है वो कर दिया है, मुझे आप चुप जानी चाहिए, ना करो। हाँ मैं ये कसम जरूर उठा सकता हूँ कि मेरे सामने अल्लाह के फजलो करम से हमारी लीडरशिप ने जो किरदार अदा किया है, इस पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया है, मेरे सामने इस पाकिस्तान के अंदर कसमों से कौन सा फैसला होना है, आप क्या कह रहे हैं, ना कसमों के ऊपर बात लेकर जाए आप जाएंगी कसम कितना लेके जाएं कि अपनी आप ही की कसम नहीं ले सकते, फैक्ट पे बात करें, ये ना बात कसम ना लाएं प्लीज, लेकिन फैक्ट ये है, फैक्ट की बात नहीं हो रही, ये पत्तों की बात फूलों की, फैक्ट इस वक्त ये है के पीटीआई के एमएनएज और एमपीएज अपने हलकों में नहीं जा सकते, ठीक है भट्टी साहब, लास्ट लाइन आखिरी लाइन भट्टी साहब, साहब मांग रहे हैं, भट्टी साहब बोलिए बोलिए, टाइम नहीं है, बोलिए तूने एक सवाल है मेरा छोटा, जी जी भट्टी साहब बोलिए, मैं ये कहता हूं, ये कहना चाहूंगा, अगर फर्ज करें भट्टी साहब एक एक करके जरा एक मेरी गुजारिश जरा सुन ले, भट्टी साहब को बोलने दे 30 सेकंड हमारे पास तो बड़ा अच्छा हो जाएगा, स्क्रीन टूटने लगी है, गिल साहब उन्हें बोलने दे, एक सवाल ये आता है गिल साहब सोने ही अंडे ने स्क्रीन टूट गई, 2010 के अंदर किसी के ऊपर नैब का मुकदमा बना है या 2003 के अंदर नैब का पॉलिटिकल सिनेरियो चेंज होते ही वो दोबारा आ जाता है, ये पूछना चाह रहे हैं, टाइम खत्म हो गया हमारे पास, टाइम खत्म हो गया, खीमा साहब शुक्रिया, भट्टी साहब शुक्रिया, मीर साहब शुक्रिया, वहीद गुल साहब बहुत शुक्रिया, इदारों को अगर आप मजबूत नहीं करेंगे तो ये ना सिर्फ कौम का नुकसान है, आने वाली नस्लें जो हैं वो किधर फिर जाएंगी, इदारों का एहतराम करना चाहिए, इन्हें इंडिपेंडेंट करना चाहिए ताकि मुल्क तरक्की कर सके, हमें इजाजत दीजिए, अल्लाह ने कहा।